स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से भारत दस्तक में आप सभी का। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ, एक बार फिर से भारत के अंदर आरक्षण का जीन आ गया है। हाँ भाई, सवर्णों के बच्चों को एक बात बचपन से सिखाई जाती है कि अगर आप जिंदगी में असफल नहीं हो पा रहे हो तो उसका कारण इस देश में केवल आरक्षण है, आरक्षण है और आरक्षण है। तो क्या है नया मामला, आइए आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मामला क्या है आइए आपको मैं बताता हूँ। दिवाली को लेकर ये मामला है, दिवाली में फटाके फोड़ने को लेकर। आपको पता होगा जिस प्रकार से हमारे देश में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पर्यावरण को खतरा है, इसके लिए कई लोग जो बोलते हैं कि फटाके नहीं फोड़ना चाहिए, और कई लोगों का मानना है कि भाई एक दिन में तो फोड़ रहे हैं, इंजॉय के लिए फोड़ रहे हैं। सबके अपने अपने तर्क है। लेकिन दोस्तों डी रूपा आईपीएस जो कि कर्नाटक सरकार में होम सेक्रेटरी भी है और कर्नाटक में आईजी लेवल के पद पर है, जो क्या बोलते हैं आईपीएस लेवल का पद होता है, बहुत बड़ा पद होता है, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल है। गाइज इन्होंने एक ट्वीट करा कि जो दिवाली होती है उसको लाइटफुल बनाना चाहिए, दिए जलाना चाहिए, फटाके नहीं फोड़ना चाहिए, इससे पर्यावरण को खतरा होता है। इसको लेकर जो भक्त लोग हैं, भक्त आर्मी है, उनको ट्रोल करने लगी और बीजेपी के लोग उनको भला बुरा कहने लगे और बहुत सारे हैशटैग चलाए गए उनके लिए। उन्होंने एक ये ट्वीट करा था सिर्फ इसके लिए। एक पेज है ट्रू इंड्रोलॉजी, उसने एक फैक्ट बताया मैडम को टैग करते हुए, डी रूपा को टैग करते हुए कि मैडम पहले के जमाने में भी फटाके फोड़े जाते थे, इस प्रकार से खुशियां मनाई जाती थी। इसके बाद क्या हुआ, वो जो पेज था ट्रू इंड्रोलॉजी वो सस्पेंड हो गया ट्विटर से। तो लोगों का कहना था कि ये जो मैडम डी रूपा है, आईपीएस डी रूपा है, इन्होंने अपनी ताकत का उपयोग करके, अपनी पोस्ट का उपयोग करके उस पेज को डिलीट करा दिया और ट्विटर से हटा दिया। तो इन्होंने बहुत गलत किया और भक्त आर्मी इनको ट्रोल करने लगी। दोस्तों यहाँ पर बात चल रही थी दिवाली और फटाकों को लेकर, लेकिन मणिकर्णिका अपने आप को झांसी की रानी बताने वाली, हिंदू शेरनी बताने वाली और राजपूत होने के कारण अपने आप पे गर्व करने वाली कंगना रनावत बीच में कूद पड़ी, क्योंकि इनको हर जगह कूदने की आदत सी पड़ गई है। यह बीच में आरक्षण को लेके आई, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है फटाकों के बीच में आरक्षण को लेके आना। तो भाई झांसी की रानी, गलत बोल रहा हूँ, मतलब झांसी की रानी नहीं है वो, झांसे की रानी कंगना रनावत लिखती है कि आरक्षण के यही साइड इफेक्ट है, जब अयोग्य लोग पावर में आते हैं तो वो इसी प्रकार से चोट पहुंचाते हैं। मैं दावा करती हूं कि उनकी कुंठा उनकी अक्षमता के कारण पैदा हुई है। यानी कि वो मैडम डी रूपा आईपीएस को लिखती है कि वो मैडम आरक्षण से आई है, वो अयोग्य है, आईपीएस की एग्जाम क्रैक करने वाली एक महिला अयोग्य है, उनके पास योग्यता नहीं है, दिमाग नहीं है, ये मदबुद्धि लड़की जो पता नहीं कैसे कैसे पिक्चर हासिल करी है सभी को पता है, वो ये बता रही है एक आईपीएस को बता रही है। और उनका कहना है कि जो लोग आरक्षण से आते हैं उनके अंदर दिमाग नहीं होता, वो अयोग्य होते हैं, कोई योग्यता नहीं होती, उनको बस भीख में दी गई ये सीटें। मैडम के पूरे ट्वीट का यही मतलब था। और भाई अब मैं क्या बताऊं इस मैडम के बारे में कि मैडम ने तो भाई 43 रैंक हासिल करी है, जहां तक मैंने इनका सुना है कि मैडम ने, जो डी रूपा मैडम है, उन्होंने 43 रैंक हासिल करी थी आईपीएस की एग्जाम में, और वो कर्नाटक सरकार में होम सेक्रेटरी है और आईजी लेवल के अच्छे बड़े पद पर है। और ये मैडम कंगना रनावत झांसे की रानी, जिसने कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाके कौन कौन से होटलों में जाके पिक्चर हासिल करी है हमें तो बिल्कुल नहीं पता, क्या आपको पता है तो नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, बाकी कोई कंपैरिजन नहीं है। मैडम की सूरत देख लो, शक्ल देख लो, सीरत देख लो और अक्ल देख लो और इसकी देख लो, बहुत डरावनी है। तो भाई नीचे कमेंट करके बताइए आप लोग इस कंगना रनावत को क्या बोलना चाहते हैं। दोस्तों वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दे, आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।